वी आर गोइंग बैक टू हटियाबाला और मौसम आज फिर बरा लूद है। कैमरा तो मैंने लगाया हुआ था तो मैंने कहा चलें इसको स्टार्ट ही कर ले। तो अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, रास्ते में हमें पैची रेन मिल रही है, कहीं पे खुश्क है मामला तो कहीं पे रेन है। पहाड़ों में तो यही मौसम होता है, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, लेकिन जैसे ही बारिश पड़ती है तो जो सर्दी की शिद्दत है उसमें बहुत इजाफा हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन थी, वहाँ हम रुक सकते थे पीछे हॉस्टल में, लेकिन हमने निकलना गवारा किया क्योंकि हमने एक और डेस्टिनेशन करनी है गंगा चोटी की। तो अब यहाँ से हम अपना जो सफ़र है रशिया से वो गंगा चोटी का कर रहे हैं। तो पहले तो नीचे उतरेंगे, यानी कि अभी लीपा से हम आ रहे हैं वापस और अब नीचे उतर रहे हैं, और उसके बाद आगे का जो सफ़र है वो इंशाल्लाह हमारा शुरू होगा गंगा चोटी का। तो ले जी दोस्तों, रशिया से भी गुजर आए हैं और लीपा वैली से भी निकल आए हैं। तो ये देखिए एक खूबसूरत सा आपको दिखाने लगा, और ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद इसका ये देखें, दिस इज़ द व्यू। आर्मी ने तो हमें दोपहर का जो खाना था वो ऑफ़र किया था, और कुछ साथी वहाँ रुक भी गए हैं, तो वैसे ये उनके प्लान में भी था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब इनसे इजाज़त ली जाए ताकि आगे बढ़ के मज़ीद जो एक्सप्लोरेशन है वो की जाए। मैंने अभी तक गंगा चोटी जो है उसका सफ़र नहीं किया मैंने, तो अभी जो गंगा चोटी है उसका सफ़र करेंगे और आपको मज़ीद दिखाएंगे सराउंडिंग कश्मीर की। ये जो साइड है ये बिल्कुल इंटायरली एक दूसरी साइड पे है कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल के तो करीब है ही, लेकिन ये वो वाली साइड नहीं है जो नीलम वैली की आप देख के आते हैं, वो वाली साइड बिल्कुल एक जुदा साइड है। ये साइड अगर आपने आना है तो आपको मुजफ़राबाद से हटियाबाला की तरफ गढ़ी दुपट्टा और गढ़ी दुपट्टा से हटियाबाला की तरफ आना पड़ेगा। तो फ़िलहाल इस वक्त शाम भी पड़ गई है, कोई मेरा ख्याल 5 से 6 का टाइम होगा, और अभी तक हम हटियाबाला नहीं पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि हटियाबाला पहुंच के फिर डिसाइड करें कि आगे गंगा चोटी की तरफ कूच करें या वहीं पे आज की रात जो है वो गुजारें। यहाँ से थोड़ा सा अगर मुझे व्यू मिले तो मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत एक मंज़र ये देखें ज़रा, वाओ, जस्ट वाओ। हमने वो नीचे जाना है तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं हम कितनी हाइट पर आए हम। तो ये सारा रोड जो था ये रात में किया था, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ऊपर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, और ऐसी जगहों पे आके सतह समंदर से 5-10 हज़ार ऊपर आ जाना मामूली बात है, क्योंकि ये सारे बुलंद तरीन मकाम हैं। अगर आप इनको कुछ दुनिया से बुलंद तरीन मकाम भी कहें तो ये झूठ नहीं होगा, दुनिया में जो बुलंद तरीन मकाम है पाकिस्तान का उनमें शुमार होता है। यहाँ पे कश्मीर है, और अगर आप चले जाएं कराकरम या बाबूसर टॉप तो उस तरफ भी काफ़ी बुलंद तरीन मकाम है, लेकिन इसकी बुलंदी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि पूरी एक वादी और पूरी एक दुनिया नीचे नज़र आ रही है आपको यहाँ से। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ लमनिया, ये भी समझ लें कि जब आप इस तरफ आते हैं लीपा वैली की तरफ तो ये एक पैची फील्ड्स का बड़ा खूबसूरत नज़ारा। चलें सस्ते
यार चश्मा वाला किधर गए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुदन गली, और रात को हम पहुँच गए थे सुदन गली चूँकि लेट थे, इस वजह से बस होटल लिया और सो गए। और दिस इज़ द होटल, ये सुदन गली में एक होटल है ड्रीम लैंड के नाम से, वहाँ पर हम अकोमोडेट हुए थे रात को। ये देखें, बस तैयारी कर रहे हैं अब ऊपर गंगा चोटी जाने की, और कुछ सामान जो है वो हमने कैरी कर लिया जो कि ज़रूरी है, असेंशियल्स, और कुछ जो है वो इस सूरत में यहाँ पर पड़ा रहेगा। और रात को जो खाना खाया था वो भी बड़ा मज़ेदार था। यहाँ पे एक कश्मीर लॉजिस गुजरांवाला रेस्टोरेंट के नाम से एक जगह है सुदन गली, वहाँ पे हमने खाना शाना खा के, और फिर नीचे की तरफ ये एक ड्रीम लैंड होटल है, यहाँ पर आके हमने फिर रात को स्टे किया। तो अब बस जा रहे हैं सुदन गली, और सुदन गली से, बल्कि ये सुदन गली है सारी, बस इससे थोड़ा सा ऊपर गंगा चोटी कुछ 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहाँ पर इंशाल्लाह गंगा चोटी एक्सप्लोर करेंगे। सो दिस इज़ आर प्लान फॉर टुडे, और इंशाल्लाह बस अब जा रहे हैं और जाके ऊपर देखते हैं कि गंगा चोटी क्या है। ले जी दोस्तों, सुबह बखैर, हम ले चुके हैं एग्जिट ड्रीमलैंड होटल से जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था। अब बस यहाँ से 6 किलोमीटर का फासला है ऊपर गंगा चोटी, तो वो जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी नींद आई है यहाँ पर। तो अब बस ऊपर निकल रहे हैं, और कोशिश है कि सुबह सुबह गंगा चोटी एक्सप्लोर कर लें। आज माशाल्लाह डे बहुत खूबसूरत लगा है, धूप वगैरह निकली है, और कल जो शाम को जिस तरह पैची क्लाउड्स नज़र आ रहे थे, लगता था कि सुबह शायद मौसम ख़राब हो, लेकिन एसएच कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ऊपर हम काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। साथी जो मेरे साथ हैं वो बिल्कुल ताज़ा दाम है, और जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि कश्मीर लॉजिस और गुजरांवाला फूड्स या रेस्टोरेंट, ये है जी वो जगह, काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन खाना था, और इनका जो बर्ताव था हमारे साथ वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो इन्होंने रात को जब यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर तो जो रूम्स थे वो बिल्कुल नहीं थे, दे वर आउट ऑफ रूम्स, क्योंकि लोग ठहरे हुए थे, तो इन्होंने हमें नीचे एक जगह पे अकोमोडेशन अरेंज करवा कर दी है, जहाँ पर हम रात को सुकून से सोए हैं। और बस अब कुछ 6 किलोमीटर का फासला है ये सुदन गली से ऊपर गंगा चोटी का। तो मेरी अपने दोस्तों को गुजारिश है कि जब इस तरफ आएँ, तो आप ऊपर की तरफ आते हैं तो एक 20 से 25 किलोमीटर का ट्रैक आपको करना पड़ता है। एग्जैक्ट जो फिगर है किलोमीटर का वो शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इट्स लाइक जैसे आप रशिया से लिपा गए थे। तो इतना सफ़र करके जब आप ऊपर आते हैं, तो एक जगह आती है सुदन गली, जहाँ पे ये सारे लॉजेज और होटल मौजूद हैं। काफ़ी हाइट पर ये जो गंगा चोटी है, काफ़ी हाइट पर है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर गए थे लिपा वैली, इट्स सेम लाइक लिपा वैली, लेकिन रोड्स बड़े लश बने हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, आराम से आप ऊपर चढ़ सकते हैं बाइक पर और गाड़ी पर आप आएँ। ज़बरदस्त ये जगह है, और इसको एक्सप्लोर करें। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर यहाँ पर चल रहे हैं। सुबह सुबह के वक्त मेरे तो जो वाइज़र है उसमें भी अब फोग आनी शुरू हो गई है, इसको ऊपर कर देता हूँ। जबरदस्त, ओए ओए ओए, माशाल्लाह वेरी गुड, जबरदस्त जगह है यार। ये देखें, अगर आप यहाँ की तरफ आते हैं तो
तो आपको यहाँ पर मुकामी लोग जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर कैंप्स किए हुए हैं, तो रात को अगर आप यहाँ पर रुकना चाहें उस रात को स्टे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये नीचे आई गेस ये पोर्टेबल बाथरूम्स हैं। वाह, खूबसूरत जगह। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, लोगों ने यहाँ पे ऊपर रात को कैंप किए हुए हैं, गाड़ियों में और मोटरसाइकिलों पे लोग ऊपर आ जाते हैं गंगा चोटी और रात को कैंप करते हैं यहाँ पर। तो ये सारी पार्किंग के लिए जगह दी गई है, और आप इस तरफ से आते हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त सा पिकनिक पॉइंट है ये, और ख़ूबसूरत जगह है। ये देखें यहाँ पे ये टक शॉप्स हैं, आप यहाँ से पानी और जो सोडाज वगैरह हैं वो ख़रीद सकते हैं, पानी और जो दीगर सामान है स्नैक्स हैं वो आप ले सकते हैं। चलें, बस ये ऊपर जा रहे हैं अब हम हाइकिंग करते हुए। काफ़ी एक खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे आपको ये छोटा सा एक 35 से 40 मिनट का ट्रैक है, ये भी आपको करने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी खासी वर्जिश हो जाती है आपकी यहाँ पर। तो ये देखें नीचे की तरफ अगर आप देखें तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अब हम। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा, ये उस तरफ से भी ऊपर आते हैं। तो दोस्तों, गंगा चोटी की पीक पर तो आ गए हैं, पर पीक पर भी नहीं है, क्योंकि आगे दो पीक्स और हैं वो ऊपर। और यहाँ की जो आबो हवा है, बिलीव मी गाइस, इट्स 100% ऑक्सीजन एयर। और समझ लें कि ये अब आगे की ट्रैकिंग हमने शुरू कर दी है, तो कोशिश तो है कि वो वहाँ पर जाएं। दोस्तों ने सोचा कि जोक्स क्रैक करते हैं और साथ में थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हैं, तो इस वक्त आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेट्स सी कहां तक जा पाते हैं। ये आगे मेरे जो जा रहे हैं बड़े फनी गाय, इनका नाम वकास है, और ही वॉज क्रैकिंग द जोक्स सिंस ही गॉट हियर। ये थोड़ा सा लेट थे ऊपर आने में, लेकिन ये और वो जो हमारे एक दोस्त हैं वो ऊपर अगर आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी टायर्ड, तो वो वहीं पर रुक गए हैं। लें जी, गंगा चोटी की सेकंड हाईएस्ट पीक पे मैं इस वक्त हूँ, और आप देख सकते हैं ये नज़ारा, सांस मेरा फूला हुआ है, फॉर दैट आई एम सॉरी। अदनान भाई, ही इज़ आई गेस अबव 50, और ट्रैकिंग कर रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो मेरे पीछे जो मंज़र है बयान से बालातर है, खूबसूरत तरीन, ये एक फीलिंग है। और मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर वो जो दूर पहाड़ कैमरा में अगर नज़र आ रहे हैं, तो उससे जो क्लाउड्स हैं वो उठ रहे हैं और वो नज़र आ रहे हैं, और वो इतने खूबसूरत एक नज़ारा पेश कर रहे हैं कि बयान से बालातर है। तो हाइकिंग करके जब आप यहाँ पर आते हैं गंगा चोटी के पीक पे ऊपर, तो आई गेस इट्स टोटली वर्थ इट। तो आई सजेस्ट यू, जब आप गंगा चोटी आएँ
तो वो नीचे वाले पॉइंट से कुछ थोड़ी सी हाइकिंग करके ऊपर की तरफ आ जाए, यू वुडंट रिग्रेट इट। सो अब बस थोड़ा सा रह गया, आगे की तरफ जा रहा हूँ। नहीं दोस्तों, वी आर हियर एट सेकंड पीक ऑफ गंगा चोटी। ओके गाइस, आप ये जो सेकंड पीक है ये भी क्रॉस कर ली है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पीक ऑफ गंगा चोटी। तो ट्रैकिंग कर रहे हैं उस तरफ और बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ट्रैकिंग है। और यहाँ पर अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो सुबह के टाइम करें, क्योंकि सनराइज़ और सुबह की जो ताज़ी ताज़ी हवा है इसमें ट्रैकिंग करने का मज़ा अपना ही है। तो अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्टिफ चढ़ाई है ऊपर। आप देखें बिल्कुल स्लोप सीधी है और बिल्कुल सीधी ऊपर ट्रैकिंग करके अब पहुँचना है। दिस इज़ द पीक ऑफ गंगा चोटी और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा ख्याल है इकलौता कैंप है जहाँ एक कोई टक शॉप है खाने पीने के लिए, किचन बनी हुई है। ये इन्होंने यहाँ पर एक बड़ा बड़ा निज़ाम, और यहाँ पर भी आपको टेंट्स वगैरह अवेलेबल है। और ये देखें खाना शाना हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इन्होंने थोड़ी मुश्किल, ये देखें सारा सामान ऊपर चढ़ाया है, यहाँ तक आके बैठे हुए हैं। और ये इकलौती टक शॉप है, एक इकलौती किचन है यहाँ पर। जी तो दोस्तों, गंगा चोटी के टॉप पॉइंट पर बस मैं तकरीबन पहुंच चुका हूं। सो ये देखें